वेलकम टू विन ऑनलाइन, योर चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस। आज प्ले ग्रुप में मैथ्स टीचिंग की बारी है। सो वी हैव प्रीटी मच कवर्ड ऑल द थ्री कोर सब्जेक्ट्स ऑफ प्ले ग्रुप विच इज एज 3+। और जब ये प्री स्कूल का सारे तीनों कोर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तीनों लेवल्स के लिए, तो एंड पे फिर हम एक और वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे, जो कि अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और द वर्ल्ड अराउंड मी, ये कॉन्सेप्ट्स हमने बच्चों को कैसे सिखाने हैं वो भी आखिर में, वो प्रीटी मच सबके लिए एक ही जैसा होगा, एक ही वीडियो में उसका खुलासा हो जाएगा। सो टॉकिंग अबाउट मैथ्स, मैथ्स द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, इसलिए कि बच्चे मैथ्स सीख लें और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को सीख लें तो बहुत सारी चीज़ों में उनको आसानी हो जाती है। एंड लाइक ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स, हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है। हमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं करना कि वो नंबर लिखना आ जाए और पढ़ना आ जाए और नंबर को पहचान सकें। नो, देर आर की कॉन्सेप्ट्स, जैसे इंग्लिश में थे, अगर आपने इंग्लिश वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिए, उर्दू में भी की कॉन्सेप्ट्स अलग से हैं और हुरूफ सीखना अलग से हैं, इसी तरह मैथ्स में भी देर आर की कॉन्सेप्ट्स एंड देर इज नंबर सेंस। तो पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट्स की। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स विच वी नीड टू टीच इन प्री स्कूल एंड ऑल ओवर स्कूलिंग, सारा वक्त में हमें ये मैथ्स के यही की कॉन्सेप्ट सिखाने होते हैं, लेकिन शुरू ये प्री स्कूल से ही हो जाते हैं। प्लीज़ आप ये मत समझिए कि प्री स्कूल में बस नंबर सीख लें ये काफ़ी है। नो, यू हैव टू बिल्ड द बेस फॉर ऑल दीज कॉन्सेप्ट, और जितना अर्ली से शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों के लिए आसान होगा। सो द फर्स्ट वन इज स्पेशल सेंस, यानी स्पेस का सेंस। जो हम शेप्स करवाते हैं ना बच्चों से, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, वो दरअसल स्पेशल सेंस सिखाने के लिए होते हैं कि स्पेस क्या है, कोई चीज़ किसी स्पेस के अंदर कैसे बनती है, उसके अंदर का स्पेस क्या है, बाहर का स्पेस क्या है और शेप्स क्या हैं। सो दिस इज टू डू विद द शेप्स। उसके बाद वी टीच मेजरमेंट, यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट, बिग एंड स्मॉल, थिक एंड थिन, ऑल दीज मेजरमेंट्स, और आसान आसान कॉन्सेप्ट्स जो हैं, कम से कम पांच या चार कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वी कैन टीच टू एज 3+। जैसे आपने पीछे माइलस्टोन्स की वीडियो में भी देखा था। देन वी ऑल्सो टीच एस्टिमेशन, के बच्चे एस्टिमेट कर सकें, पोरिंग वाटर फ्रॉम अ टॉल ग्लास टू अ स्मॉल स्क्वाट ग्लास, उसमें पोर करें और देखें क्या पूरा वो भर जाएगा, क्या वो आधा होगा या पूरा भरेगा। एस्टिमेशन, एस्टिमेट करना, चीज़ों को अंदाज़ा लगाना, बिकॉज इट्स अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। उसके बाद पैटर्न्स, के पैटर्न्स क्या हैं, लॉजिकल पैटर्न्स क्या हैं, पैटर्न बनाए कैसे जाते हैं, पैटर्न्स को कम्प्लीट कैसे किया जाता है, बिकॉज देन दे अंडरस्टैंड द नंबर पैटर्न्स, और मुख्तलिफ सवालों और प्रॉब्लम्स के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को, बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया में छुपे हुए पैटर्न्स को वो अंडरस्टैंड करते हैं। एंड दिस इज लॉजिकल एंड मैथमेटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेवर थिंक कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि बड़े बड़े प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए हैं और बच्चे वो हल करें। नो, यू गिव 6 plates टू अ स्टूडेंट एंड टेल हिम टू गिव इट टू 7 students, एंड देन यू सी कि वो 6 को देने के बाद क्या होगा, एक बच गया तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, क्या वो वापस आएगा एंड विल पिक वन एंड अदर प्लेट फ्रॉम द स्टैक ऑफ द प्लेट्स एंड गिव इट टू द स्टूडेंट, आपसे इजाज़त मांगेगा या वहाँ हैरान परेशान खड़ा रह जाएगा। अगर हैरान परेशान भी खड़ा है तो डजेंट मैटर, अगली दफ़ा उसको इसकी ट्रेनिंग होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और उसको रियल लाइफ पे आप कैसे अप्लाई करते हैं, ऑल दिस दीज आर की कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स, और ये प्ले ग्रुप से ही सिखाना शुरू करने हैं। देन कम्स द नंबर सेंस, जिस पे के हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है और ज़्यादातर स्कूलों में बस नंबर सेंस पे ही फोकस होता है। तो उसमें सबसे पहले रिकग्निशन, जो कि लेटर्स ऑफ द इंग्लिश और उर्दू अल्फ़ाबेट में भी हमने कहा कि पहचान, सबसे पहले कि वो पहचान सकें कि ये क्या है। उसके बाद ओरल काउंटिंग जो है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बच्चे ज़ुबानी काउंट करना सीखें, चैंट्स की शक्ल में भी होता है, 1, 2, 3, 4, और सॉन्ग्स में भी होता है। देर आर सो मैनी नर्सरी राइम्स जो कि काउंटिंग के ऊपर हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरह के मुख्तलिफ, जैसे 1, little, 2, little, 3, little in the end, और ये सारे काउंटिंग के सॉन्ग्स हैं। ठीक है, तो ये ज़ुबानी बच्चे को काउंटिंग आए, इट इज़ वंडरफुल।
उसके बाद स्टेप आता है राइटिंग का कि दे रिकग्नाइज द नंबर, उन्हें उसका नाम आता है एंड देन दे आर एबल टू राइट इट. मैथ्स में बहुत सिंपल सिंपल सी शक्लें हैं, 4 में थोड़ी सी मुश्किल होती है, 8 में होती है और 9 और 6 जो है उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, द रेस्ट इज़ फाइन. लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि कितने सिखाने चाहिए हमें प्ले ग्रुप में, फ्रॉम 1 to 9, क्योंकि ये बेसिक है, ये बेस है. सो 1 से लेकर 9 तक आपने सिखानी है और 9 सिखाने के बाद यू टीच 0. व्हाई डू यू टीच 0 इन द एंड? बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 इज डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू ग्रैस्प. ये नथिंगनेस या कुछ ना होना जो है ये बच्चे इतनी आसानी से नहीं समझते, बिकॉज अभी वो कॉन्क्रीट से सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए जो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती है बस वही हकीकत है. तो नथिंगनेस जो है दैट इज अ हार्ड कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प. तो ये 1 से लेकर 9 तक सिखाने के बाद 0 का कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाया जाता है एंड देन यू कम टू 10, जो कि प्री स्कूल में मेरे ख्याल में एज 3+ के लिए तो नहीं, व्हेन दे कम टू नर्सरी देन वी कैन स्टार्ट विद 10 एंड ऑनवर्ड्स. ये सब सीखने के बाद सबसे ज़रूरी बात ये है कि दे शुड नो द क्वांटिटी 2. उन्हें नाम भी आ गया 2 का, उन्होंने सीख भी लिया 2 को लिखते कैसे हैं, उन्हें 2 को पहचान भी लिया, बट 2 कहते किसको हैं, 2 किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टूनेस के 2 का मतलब क्या है, दिस इज क्रूशल. क्योंकि इस तरह ज़ुबानी तो वो 100 तक आपको बता देंगे, लेकिन क्या वो 23 ऑब्जेक्ट्स उठाकर आपको दिखा सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसीलिए 1 से लेकर 9 तक पे स्ट्रेस की जाती है, क्योंकि इतनी चीज़ें वो आसानी से उसकी क्वांटिटी को भी समझ सकते हैं. देन कम्स द रिप्रेजेंटेशन. ये सारा कुछ तो उन्होंने सीख लिया, क्या वो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर आप कहते हैं कि मेक 2 ट्राइंगल्स, तो क्या वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसकी कर सकेंगे, 2 ट्राइंगल बना सकेंगे? या आप उनसे कहते हैं कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल पिक 3 स्टिक्स, तो विल दे बी एबल टू, रियालिया का मतलब है कि रियल लाइफ सिचुएशन और रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ वो जो है इसको एक्सपेरिमेंट करें, तो क्या वो यू से कैन यू प्लीज़ पिक 3 स्टिक्स फॉर मी, विल दे बी एबल टू पिक 3 स्टिक्स फॉर यू, यानी वो रिप्रेजेंटेशन भी कर सकेंगे इन नंबर्स की रियल लाइफ में कि नहीं. तो देखिए मैथ्स को हम आसान आसान सा कहते हैं ना, क्योंकि हम सिर्फ नंबर लिखना पढ़ना और काउंट करना सिखा देते हैं. दीज 2 पॉइंट नंबर 4 and 5 वेरी क्रूशल, क्योंकि ओनली देन दे अंडरस्टैंड वट अ नंबर इज. ये नंबर सेंस है, सिर्फ न्यूमरेसी में नंबर या काउंटिंग ही नहीं है, द सेंस ऑफ नंबर जो है वो हमने सिखाना है और इसके साथ ऑल दीज कॉन्सेप्ट. नाउ देर आर अ फ्यू एक्टिविटीज जिसको आप प्री मैथमेटिक्स एक्टिविटीज कह सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि दीज आर नॉट स्ट्रिक्टली प्री मैथ्स एक्टिविटीज, ये हर वक्त करवानी चाहिए. मैथ्स करवाने के साथ साथ जो है आप में ये एक्टिविटीज़ रोज़ाना मैथ्स के लेसन का हिस्सा बनानी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर टॉपिक इज़, उस टॉपिक के मुताबिक आपने मैथ्स में, जैसे सबसे पहली है शेप अप. तो अक्सर स्कूलों में पजल्स के सेट्स होते हैं जिसके अंदर शेप्स होते हैं, उन्होंने उस खास शेप को उसके खास खाने में रखना होता है. कट योर ओन शेप सीजर्स देकर, या आपने काटे हुए हैं शेप्स और वो एक जैसे शेप्स को आपस में जोड़ रहे हैं. एक और बहुत मज़े की है, वो ये है कि यू इधर इनसाइड द क्लासरूम अगर आपका कमरा बड़ा है, वरना गो आउटसाइड और आप बनाएं एक बड़ा सा ट्राइंगल, सर्कल, जो भी शेप आप पढ़ा रहे हैं, एंड यू द स्टूडेंट स्टैंड इन द लाइन और आप उनसे कहें कि ओके hop and go to the circle and stand in the circle. अब ये देखिए इसमें आप ये तीनों जो लर्निंग डोमेन्स हैं वो शामिल कर रहे हैं, कॉग्निटिव कि वो सर्कल को पहचानता है कि नहीं, साइकोमोटर हॉप कर रहा है या जंप कर रहा है, बॉडी यूज कर रहा है, एंड इफेक्टिव इट कैन बी लाइक अ कॉम्पिटिशन, एंड वेन दे रीच द सर्कल दे फील प्राउड ऑफ इट एंड दे आर स्टैंडिंग इन द सर्कल. तो जैसे शुरू में कहा था कि हमें ये लर्निंग डोमेन्स, ऐसी एक्टिविटीज़ करानी है जो लर्निंग डोमेन्स को इनकॉर्पोरेट करें. अच्छा जी, सॉर्टिंग पे मैं बहुत ज़ोर देती हूँ, हमेशा कहती हूँ कोई भी चीज़ आपके लिए कचरा नहीं है. बीड्स, बटन्स, सीरियल्स, आइसक्रीम स्टिक्स, एनीथिंग, यू जस्ट मिक्स देम अप एंड गिव पेपर प्लेट्स और पेपर कप्स टू द स्टूडेंट्स एंड टेल देम टू सॉर्ट. इनको अलग अलग करें, अलग अलग ग्रुप्स में डालें.
ग्राफ बनाने के आप बचपन से बिल्कुल प्री प्ले ग्रुप से आप सिखा सकते हैं. कैसे? यू मेक अ चार्ट, उसके ऊपर दिनों के नाम आप एक तरफ लिखते हैं. गिव द स्टिकर्स टू द स्टूडेंट्स एंड टेल देम जिस दिन बहुत तेज धूप निकलेगी या जिस दिन बहुत सनी होगा हम उस दिन के लिए स्टिकर लगाएंगे, राइट? एंड देन एट द एंड ऑफ द वीक यू काउंट द स्टिकर्स एंड दे लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ. नाउ ईजी एक्टिविटीज विच आर इंजॉयबल बट दे आर एक्चुअली टीचिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू द स्टूडेंट्स. ड्रेस क्विज बहुत मजे का है. अक्सर स्कूलों में कलर डे मनाया जाता है, सब रेड कलर के कपड़े पहन के आए, ब्लू पहन के आए, बट यू कैन ऑल्सो चेंज दिस इन टू पैटर्न्स. आपके आप कह दें कि जी सब ने कल किसी ना किसी पैटर्न वाला ड्रेस पहन के आना है. सो देर कैन बी लाइन्स, देर कैन बी सर्कल्स, देर कैन बी डैशेज, देर कैन बी zigzag लाइन्स, एंड देन यू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स टू द स्टूडेंट्स. लॉन्ड्री सॉर्टिंग इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्टिंग गेम. क्लास में बड़े आराम से कराई जा सकती है. कलर पे बच्चे सॉर्ट कर सकते हैं, आइटम्स को सॉर्ट कर सकते हैं कि पैंट्स कौन सी हैं, शर्ट्स कौन सी हैं, हैट्स कौन सी हैं, स्कार्फ्स कौन से हैं. अगेन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. अप पैटर्न प्ले, ये पैटर्न्स और पैटर्न्स के लॉजिकल सीक्वेंस को सिखाने के लिए होता है विद मैक्रोनी और बीड्स और ड्राई सीरियल. आपने रखे, पहले बीड रखा, फिर आपने एक ड्राई सीरियल रखा, फिर बीड रखा, फिर ड्राई सीरियल, फिर बीड, फिर ड्राई सीरियल. तो ये दो डिफरेंस के ऊपर रिपीट होने वाला पैटर्न है. एंड देन यू आस्क द स्टूडेंट्स टू रिपीट द पैटर्न फॉर यू. इन अवर नेल्सन मैथ्स की जो हमने वीडियो अपलोड की हुई है उसमें हमने पैटर्न्स के ऊपर आपको एक्टिविटीज बताई हुई हैं. सो यू कैन गो एंड सी दैट. क्लास वन के मैथ्स में हमने बताई. टनल टाइम बहुत मजे का है फॉर स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी स्पेस को समझने के लिए. बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता है उसको आप दोनों तरफ से खोलें एंड यू आस्क द स्टूडेंट्स टू क्रॉल इन साइड इट एंड कम आउट फ्रॉम द अदर एंड. अब ये बॉडीली अवेयरनेस, कैनेस्थेटिक अवेयरनेस और स्पेस क्या है, मैं उसके अंदर कैसे मनूवर करूं, इट्स अ ग्रेट थिंग और उन्हें बहुत मजा आएगा इसको करने में. पास इट अराउंड बहुत मजे का है. यू गिव पीसेज ऑफ पेपर एंड यू आस्क द स्टूडेंट टू गिव वन टू एवरीबडी, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस सिखाने के लिए, यानी हर बच्चे को आप एक एक देते जाएं. सो प्रैक्टिकली आप वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस. और देखिए ये बिल्कुल सिंपल एक्टिविटीज हैं, यू डू नॉट नीड फैंसी इक्विपमेंट फॉर दिस. ऑल यू नीड इज टू थिंक के इसको मैं कैसे मैथ्स की तरफ चेंज करूं. अच्छा, कलर का कॉन्सेप्ट, सॉरी टाइम का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए यू गिव देम एक्टिविटीज एंड यू टाइम दी एक्टिविटीज. कहें ओके ये मेरे पास बजर है या ये मेरे पास अलार्म है या ये मेरी स्टॉप वॉच है, एक मिनट बाद या दो मिनट बाद अलार्म बजेगा, जब अलार्म बजे सब स्टॉप कर दें. यू गिव देम अ पिक्चर टू कलर एंड देन आफ्टर वन मिनट यू स्टॉप एंड आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग में जो है वो टाइम का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. ज़्यादा टाइम, थोड़ा टाइम, लंबा टाइम, ये सारा कुछ दे विल अंडरस्टैंड. एंड देन आर्ट को आप हर तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन मैथ्स, या मैथ्स को आर्ट में कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग ऑफ शेप्स हो गए, जैसे मुख्तलिफ ड्राइंग्स बनाना और फिर उनके अंदर पैटर्न ढूंढना. जैसे आज सिर्फ सर्कल पे बेस्ड कोई पिक्चर दे दी है, और या जैसे किसी घर की पिक्चर दी है, फाइंड द ट्रायंगल्स इन इट, फाइंड द स्क्वायर्स इन इट, फाइंड द रेक्टेंगल्स इन इट. तो आर्ट कैन बी वेरी ईजीली इनकॉर्पोरेटेड इन मैथ्स. हमारी जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथ्स वाली वीडियो है उसमें हमने आपको बताया है कि आर्ट कैसे इनकॉर्पोरेट होगा मैथ्स के अंदर. आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना. इट्स अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथ्स. हर सब्जेक्ट के हमने एम्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो किए थे. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी सिंपल एक्टिविटीज, नॉट टाइम कंज्यूमिंग, नो फैंसी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड. बट इफ यू डू विद द स्टूडेंट्स यू विल एक्चुअली मेक देम स्मार्ट और स्मार्टर इन मैथ्स, और वो ये वाले की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सीखेंगे. अभी मैं आपको कुछ बुक्स पर से बताती हूँ कि देखिए बुक्स के अंदर भी इन चीज़ों का ख्याल रखा गया. जैसे ये है प्री स्कूल के लिए, प्ले ग्रुप के लिए. पहला पेज हमेशा की तरह इट्स द प्री राइटिंग स्किल, क्योंकि इसके अंदर राइटिंग भी उसके साथ शामिल है. सी अगेन इट्स द प्री राइटिंग पेज, दिस इज ऑल्सो अबाउट प्री राइटिंग. और फिर देखिए नंबर रिकग्निशन, इंट्रोडक्शन एंड क्वांटिटी के वन
किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ऑल्सो वन की पोजिशन जो है वो पूरी नंबर्स में कहाँ पर है, इट इज़ द फर्स्ट वन. अगेन यहाँ पर क्वांटिटी, नंबर की शक्ल और फिर उसके साथ राइटिंग स्किल. शुरू करने के लिए डॉट भी इसमें लगा हुआ है कि आपने यहाँ से शुरू करना है. अगेन वन क्वांटिटी को भी दिखा रहा है. अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि रीइंफोर्समेंट इज द की, रिविजन इज द की. उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स कुछ भी कराते वक्त बार बार कॉन्सेप्ट्स को दोहराना. तो देखिए, दो नंबर्स के बाद इट इज़ द रीइंफोर्समेंट. कलर ऑल द रैबिट्स दैट हैव नंबर टू. अब नंबर टू वालों को सिर्फ, तो टू को पहचानेगा तो कलर करेगा. मैच द नंबर्स विद द ऑब्जेक्ट्स. अब ये क्वांटिटी के लिए, वन को वन के साथ करेगा और टू को टू के साथ करेगा. सर्कल द नंबर टू, अगेन इट इज़ फॉर टू. और ये देखिए, इसके साथ ही फिर शेप वाली पेजेस शुरू हो गए, यानी दो नंबर सिखाने के बाद. और आपको याद होगा जब हमने प्ले ग्रुप के माइलस्टोन्स किए थे तो हमने उसमें ये सीखा था कि ये सर्कल वाला शेप सबसे पहले सीखते हैं बिकॉज इट इज़ द ईजिएस्ट शेप. इसीलिए सबसे पहले इनको सर्कल का शेप सिखाया गया. नॉट ओनली इन दिस फॉर्म बट रियल लाइफ में से भी तस्वीरें, पिज्जा और साइकिल के व्हील की तस्वीर, कि वो देख सकें कि सर्कल उनको कहाँ कहाँ नजर आते हैं. एंड देन लुक हियर, कट अ सर्कल एंड पेस्ट इट इन द बॉक्स बिलो. खुद से कट करेंगे और उसको नीचे बॉक्स में लगाएंगे. आपको एक और एक्टिविटी दिखाना चाहती हूँ. देखिए, यू कैन इंक्लूड टू थ्री डिफरेंट थिंग्स इन वन एक्टिविटी. नाउ दिस इज अ ट्राईफोल्ड एक्टिविटी बिकॉज एक इसमें शेप की रिकग्निशन है, उसके बाद काउंटिंग है और उसके बाद नंबर रिकग्निशन है. काउंट द शेप्स एंड सर्कल द करेक्ट नंबर. तो काउंट करेंगे और फिर सर्कल करेंगे करेक्ट नंबर को. सो थ्री थिंग्स आर इंक्लूडेड इन वन एक्टिविटी. तो इस तरह मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज आपने तैयार करनी है बच्चों के लिए, जो कि उनको सीखने और समझने में मदद दें. प्लीज सिर्फ नंबर्स पे फोकस मत कीजिए. डू ऑल दिस विद द स्टूडेंट्स बिकॉज दिस इज प्रिपेयरिंग देम फॉर मैथ्स एंड दिस इज मेकिंग देम रेडी फॉर द की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट उन्होंने अभी से लर्न करने हैं. दिस इज ऑल फॉर मैथ्स टूडे एंड फ्रॉम टुमोरो वी विल स्टार्ट विद नर्सरी. और नर्सरी में हम इंग्लिश से शुरू करेंगे. ऑल दी एक्टिविटीज़ एंड कॉन्सेप्ट एंड कन्फ्यूजन सारा कुछ जो है हम नर्सरी का कल के वीडियो में अपलोड करेंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. थैंक यू.